नमस्ते मोदी जी, मेरा नाम जेबा खान है, मैं पूना की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 41 साल की है और मैं किडनी पेशेंट हूँ। पहले इतनी छोटी आयु में? हाँ यही तो, अरे छोटी आयु में मुझे ये बीमारी हो गई, बहुत परेशानी हो गई। चलिए अल्लाह ताला से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट से आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी बाहर निकलें। जी जरूर, आपने जो जन औषधि की शुरुआत की है वो बहुत बहुत फायदा होता है मुझे उससे। पहले मैं ये दवाइयाँ 2200-2500 में खरीदती थी, मेरा बजट पूरा हिल जाता था। ऐसा लगता था ये मुझे क्या हो गया, अभी मेरे बच्चों का कैसे होगा, कैसे मैं सब संभालूंगी। पर मुझे ये मालूम पड़ा पेपरों में इसमें कि जन औषधि के में ये दवाइयाँ बहुत सस्ती मिलती है, तभी मैंने ये दवाइयाँ लेना शुरू कर दी। तो मेरे 800 रुपए में पूरी दवाइयाँ आती थी और मेरे बचे हुए पैसे मैं घर भी चला सकती थी, मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए यूज कर सकती। आज मुझे इसका बहुत फायदा होता है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि और से और इसमें कामयाबी मिले और सब गरीबों को इसका फायदा हो। मेरे जैसी कम उम्र में बीमारी होती है, इनका उनका भी फायदा हो। और मैं ये मेरे डायलिसिस, मुझे डायलिसिस चालू है, मैं ये सब जगह बताती हूँ कि ये दवाइयाँ यूज करें। सबको प्रचार करते रहती हूँ कि ये दवाइयों से अपना बजट भी सही रहता है और ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। आपकी आपके परिवार के कौन आए हैं? बेटियाँ हैं यहाँ। अच्छा, तो बेटियों को पढ़ाती हो? हाँ। का है नाव का है मुलगी से नाव का है? अल्फिया खान। क्या पढ़ती हो बेटा? मैं टेक्सटाइल डिजाइन कर रही हूँ। अरे वाह, देखिए माँ को तो बीमारी हो गई, लेकिन इस बीमारी से अगर संभाल करके रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ जरूर। देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी बेहतर सेहत की कामना करता हूँ और आपकी बेटियों को आप पढ़ा रही हैं और अच्छा पढ़ा रही है, इसलिए मैं आपको पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वरना कभी बीमारी के कारण इंसान इतना परेशान हो जाता है कि परिवार की तरफ ही कौन किसकी सेवा करे चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जरूर इस दवाई से आपको जो लाभ हुआ है, दो प्रकार के लाभ हुए हैं। एक तो आपने सर्वाधिक महंगा और कष्टदायक ये जो स्थिति से निकली है और उसमें से अब आपको कम से कम आर्थिक मदद मिल गई है और इस व्यवस्था से जाने के कारण अब आपको दवाइयां तो सस्ती मिली हैं, डायलिसिस की सुविधा भी मिल रही है और आप अपने परिवार की भी अच्छी देखभाल कर पा रही हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की कोई भी योजना जब पूरे परिवार का हित करती है, पूरे समाज का हित करती है, तो वो अपने आप में बहुत आशीर्वाद का कारण बनती है। और आपको जानकारी खुशी होगी, आज 1000 से अधिक जरूरी दवाइयों की कीमत नियंत्रित होने से जैसे आपके पैसे बचे हैं, पूरे देश में जिन्होंने इसका फायदा उठाया है करीब करीब 12,500 करोड़ रुपए आप जैसे नागरिकों के जेब में बच गए हैं, जो पहले उनको ज्यादा होना ही होना था क्योंकि बीमारी में कहां जाएगा बेचारा, कर्ज लेना पड़ता था। करीब करीब 90 लाख गरीब मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज मिल चुका है। यही नहीं, स्टेंट्स और नीम प्लांट्स की कीमत भी कम होने से लाखों मरीजों को नया जीवन मिला है। सरकार का प्रयास ये है कि देश में लोगों को मेडिकल सुविधा के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े और इसलिए देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, नए एम्स बनाए जा रहे हैं। इस वजह से देश में मेडिकल सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे अनेक प्रयास चल रहे हैं
जो देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार लाने वाले हैं।